Hello guys, my name is AJ and you're watching Wrestle AJ. गाइस, जैसे कि हम सबको पता है कि जो कि हमारे द बीस्ट इंकर्नेट ब्रॉक लेसनर है गाइस, हमको बहुत ही ज्यादा समय से डब्ल्यूडब्ल्यूई में दिखे नहीं है। और जैसे कि हमको पता है कि समर स्लैम 2023 में ब्रॉक लेसनर का आखिरी मैच आता है, जहाँ पर उन्होंने द अमेरिकन नाइट में कोडी रोज को फेस किया था एक सिंगल्स मैच में, और उसके बाद से हमको ब्रॉक लेसनर डब्ल्यूडब्ल्यूई में दिखे ही नहीं है। और जो कि उनका रूमर रिटर्न था रॉयल रंबल 2024, वहां पे भी ब्रॉक लेसनर नहीं आ सके ड्यू टू पर्सनल इश्यूज विद मैन। तो अभी चांसेस बहुत ही अच्छे खासे बन रहे हैं कि जो कि हमारे ब्रॉक लेसनर है गाइस, हमको रिटर्न आते हुए देख सकते हैं इन द अमेरिकन नाइट में कोडी रोड्स एज इज नेक्स्ट चैलेंजर फॉर द अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियनशिप। क्योंकि गाइस इसी हमको पता है कि गाइस बहुत ही लोग कोडी रोज की जो रेन गाइस तब से रेसलमेनिया 40 में चालू हुई है एज द डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन, गाइस लोग उसको बहुत ही बोरिंग बोल रहे हैं। तो गाइस पॉसिबली गाइस स्टोरीज ये वो रेन बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाने के लिए के जो कि हमारे डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले हैं पॉसिबली कोडी रोज का नेक्स्ट मैच कराते हुए दिखा सकती है ब्रॉक लेसनर के अगेंस्ट फॉर ये अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियनशिप। गाइस आप बिल्कुल सही सुनोगे, हमको नेक्स्ट मैच जो कि कोडी रोज का होते हुए देख सकते हैं गाइस, वो होते हुए देख सकता है ब्रॉक लेसनर के अगेंस्ट फॉर ये अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियनशिप। बिकॉज इससे गाइस फैंस का बहुत ही इंटरेस्ट बनेगा गाइस, इतना बड़ा स्टार ब्रॉक लेसनर वापस आया है और कोडी रोज का भी गाइस स्टॉक बहुत ही हाई होगा और गाइस चांसेस कम है कि मैच में कोडी रोज हारेगा। तो अगर ये मैच होता भी तो गाइस हमारे अमेरिकन नाइट में कोडी रोज से हमको जीतते हुए दिखने वाले हैं। अगर जर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कृपया करके कीजिए ये वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। और प्लस अगर जर आपको हमारे चैनल के सब वीडियोस और अपडेट सबसे पहले चाहिए तो कृपया करके हमारे बेल आइकन को भी दबा के रख लीजिए, जिससे कि आपको सब अपडेट्स और वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन में आ जाए।